In Britain, one out of seven feel that the woman who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, one out of seven Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम कदम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक तबलीग के मुनफरिद तरीक़े और सलीक़े के बायस पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कुरान पाक, वेदा, बाइबल समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों को खोले बगैर उनसे जब हवाले देते हैं तो सुनने वाले सच से इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्हें दुनिया भर से दावतनामे मौसूल होते हैं और लोग उनको अपने मुल्क में बुलाकर चैलेंज करते हैं या दीन का पैगाम फैलाने की गुजारिश करते हैं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें उन्हें दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड में मदऊ किया गया था और पूरी यूनिवर्सिटी की क्रीम यानी के ज़हीन व फतीन तुलबा को उनके सामने लाकर बिठाया गया, जिन्होंने अपने अपने सवालात डॉक्टर जाकिर नायक के सामने रखे। डॉक्टर साहब से यूं तो बहुत से तुलबा ने सवालात किए, मगर इस वीडियो में हम आपको इज़ा नामी लड़की का सवाल और डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब सुनाएंगे। दीगर वाक़े किए गए सवालात हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। नाज़रीन, इज़ा नामी इस लड़की ने डॉक्टर साहब से हिजाब से मुतालिक सवाल किया और कहा कि आप कहते हैं कि हिजाब औरत को महफूज रखता है, मेरी नज़र में तो हिजाब औरत को दबाता है और उसकी तजलील करता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? Dr. Nike, my name is Izzy Westbury. I'm the secretary here at the Oxford Union. I have a very short question to ask. You talk about the hijab being something that serves to protect a woman. Surely it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हिजाब की तलकीन कुरान पाक में की गई है। औरत को यहाँ तक हिजाब का हुक्म है कि सिर्फ उसका चेहरा और कलाइयाँ हाथ तक बाहर हो सकती हैं, इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि हिजाब का हुक्म बाइबल में भी आया है, बल्कि बाइबल में तो बहुत सख्ती से आया है, जिसमें कहा गया है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो शाइस्ता लगें और उन्हें जेवर भी नहीं पहनना चाहिए। बाइबल में एक और जगह लिखा है कि अगर औरत सर नहीं ढांपती तो उसके बाल काट देने चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि बेशक मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, मगर बाइबल का हवाला मौजूद है, वेदा में भी लिखा है कि औरत के लिए हिजाब लाजिम है। तो सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे मजाहिब औरत के पर्दे की बात करते हैं। जो भी आसमानी किताबें औरत को अपने आप को ढांपने का कहती हैं, वो उनकी तजलील के लिए नहीं बल्कि उनकी शाइस्तगी की बात करती हैं, उनका वक़ार बुलंद करने की बात करती हैं। डॉक्टर साहब ने इस लड़की से कहा कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं कहता हूं कि औरत हिजाब नहीं करती या मगरबी लिबास पहनती हैं तो उसका रेप होता है। मैंने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने तो कहा था कि अगर औरत जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े पहनती है तो ज्यादा इम्कानात हैं कि उसके साथ कुछ गलत काम हो सकता है। And if you analyze, there was allegation made against me saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, you know, that if you wear western clothes, there are chances the woman will be raped. It is a misquotation again. What I said that if women wear revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me 1 year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, one out of seven feel that the woman who wear sexy revealing clothes, she should be hit. I'm sorry, I don't agree with it. This is the statistics that was given in the Sunday Times on the 9th of March 2009, that in Britain, one out of seven Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब डॉक्टर जाकिर नायक पर बहुत तनकीद हो रही थी कि उन्होंने औरतों के खिलाफ ना जाने क्या जुल्म कर दिया है, और इस सारे मामले का जिम्मेदार एक अखबार संडे टाइम है, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि संडे टाइम से मेरे खिलाफ ये कीचड़ उछाला गया। उसने एक साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि अगर औरत भड़कीले कपड़े पहनती है तो उसे दूर करना चाहिए, और ये कि मैंने कहा कि बरतानिया में हर 7 में से 1 मर्द समझता है जो खवातीन जिस्मानी हिस्से जाहिर करने वाले लिबास पहन
पहनती हैं उन्हें हिट करना चाहिए, यानी उनसे बातचीत करके उनके साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और मौके पर इसी अखबार ने लिखा कि 26% बरतानवी शहरी समझते हैं कि औरत जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़े पहनती है तो उसके साथ कुछ गलत काम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। In 2005, in the same newspaper Sunday Times, it said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. So what I say that the more modest you are dressed up, you are respected more. So Islam has prescribed the modest hijab for the woman not to degrade her but to uplift her. I do agree there may be cultural differences. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप खुद को जितना शाइस्तगी से पेश करते हैं उतना ही आप महफूज रहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि हिजाब आपकी तजलील नहीं करता बल्कि आपकी इज्जत नफ्स को बढ़ाता है। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करता बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। हिजाब औरत को दबाने का नहीं बल्कि उसकी इज्जत और एहतराम का जरिया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए कुछ मुआशरती अवामिल ऐसे असरअंदाज हो सकते हैं जैसा कि कुछ मुआशरों में औरत को देखना भी नाशायस्तगी समझा जाता है, कुछ में देखने में बुराई नहीं बल्कि छूने में बुराई समझी जाती है। इसी तरह कुछ मुआशरों में हाथ मिलाना भी शायस्ता और काबिल कबूल होता है जबकि कुछ मुआशरों में हाथ मिलाना तो बहुत गलत समझा जाता है, और कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं जिसमें अगर मर्द और औरत राजी हों तो वो जो मर्जी कर लें उसको भी बुरा तसव्वुर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि अमरीका में लेक्चर दे रहा था तो एक शख्स ने कहा कि तुम इंडियन लोग बहुत ही बेशर्म हो। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसी क्या बेशर्मी कर दी, तो बोला कि तुम्हारी खवातीन अपना पेट दिखाती हैं जब वो साड़ी पहनती हैं। मैंने उसे बताया कि भारत में साड़ी पहनकर पेट दिखाना बुरा नहीं समझा जाता मगर पहनने को बुरा तसव्वुर किया जाता है, ऐसे जैसे अमेरिका में शॉर्ट्स पहनना एक नॉर्मल चीज है मगर पेट दिखाना बुरा तसव्वुर किया जाता है, टांगे दिखा दें तो कोई मसला नहीं। ये मुआशरती तब्दीलियां हैं, हर मुआशरे के अपने अपने रिवाज हैं, हर मुल्क और हर खत्ते में ये मुख्तलिफ होते हैं, इस पर आप तनकीद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि बरतानिया में भी मैंने देखा है बेशुमार खवातीन हिजाब करती हैं, हालांकि बरतानिया में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं, उनको कोई मजबूर भी नहीं कर रहा कि वो खुद को ढांप कर रखें, वो हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं, अगर औरत समझती है कि उसकी इज्जत नफ्स और तहफ्फुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो हिजाब करे तो फिर वो हिजाब पहन सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। वन ऑफ द अमेरिकन टोल्ड मी यू ईस्टर्न वुमन यू आर इमॉडेस्ट। आई वाज शॉक्ड, सो आई सेड व्हाई डू यू कॉल द ईस्टर्न वुमन इमॉडेस्ट। He told me, you Eastern women, you expose your belly. So in American Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. So what if you realize, sister, there's different culture, there's different system. Islam cannot force anyone to adopt. It's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256. Laikra fid din, there is no compulsion religion. But if some women want to adopt the hijab because they feel modest and they feel respected, I feel no other woman should disagree. And when I've been to UK, I've seen hundreds and thousands of women who do cover their hair and who feel that they are uplifted because of this modesty. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार बयान और टीम हम कदम की ये काविश आपके सामने है। इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे ये सवाल करना चाहती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए किसी शरीक हयात का इंतखाब करने जाएंगे तो आप कैसी औरत या खातून या लड़की को तरजीह देंगे, जो बापर्दा और बाहिजाब हो या फिर जो ज़रा मॉडर्न हो और जदीद छोटे कपड़े पहनकर घरों से बाहर घूमती हो और आपके साथ भी बड़े शॉपिंग पर जाए, तस्वीर खिंचवा कर सोशल मीडिया पर लगाए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।